सखी मांगू मैं अचरा पसार दई दे दुई मुट्ठी तू कनिकी उधार दई दे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चलो हटो, मेरे वीडियो में बताना है आज के बाद। तुम ऊपर आओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मॉर्निंग 6:30 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया, तो कुछ अपने काम और कुछ दूसरों के काम करने के बाद हम क्लीनिंग पे आ गए हैं। यहाँ पे मेरा पोछा लग रहा है, तो देखिए हम हमेशा ना हाथ से पोछा लगाते हैं। हमारे यहाँ मोप है पर उससे कभी भी पोछा हम नहीं लगाते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है कुछ दिनों तक लगाते हैं सर्दियों में, वरना हमेशा हाथ से लगाते हैं, क्योंकि देखिए हम औरतों के लिए ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये ना। तो हाथ से पोछा हमेशा लगाइए, आप लोग भी कोशिश करिए अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। तो नीचे के सारे काम हो गए हैं और कुछ लोगों को हमने नाश्ता भी दे दिया है। नौमी भी स्कूल जा चुकी है नाश्ता करके, इसके बाद ऊपर आ गए सफाई करने के लिए। तो देखिए ऊपर की सफाई जैसे हो जाता हम वैसे कर लेते हैं, कुछ मेरे फिक्स नहीं है कोई तरीके, ऐसा नहीं कि हमें ऐसा ही करना है। जब जैसे टाइम होता हम वैसे करते हैं, क्योंकि ना पहले हम घर के लोगों को उनका खाना पीना देखते हैं, बाद में सफाई देखते हैं। तो आज वासु ने बिस्तर भी छोड़ दिया था, हमने वो भी उठा के रखा है, क्योंकि ना आज वो बहुत जल्दी में है। तो पापा को नहलाने के लिए वो शॉप पे चला गया है, क्योंकि उसका आज फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो उसके बचे हुए काम भी ना हम समेट रहे हैं, और मेरे हस्बैंड देखिए डोरमेट धुल रहे हैं, तो मिल बांट के हम लोग काम कर लेते हैं। पहले हमें नहाना था। अच्छा जल्दी नहा लेना। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। तो मंगलवार की मॉर्निंग है, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो पे आ चुके हैं, एंड तक वीडियो पे रहिएगा और कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छा व्लॉग दे पाएं। तो मॉर्निंग मेरी हो चुकी है और मेरे कुछ काम मॉर्निंग के हो चुके हैं, डेली रूटीन जैसे होता है। आपका दिन कैसा रहा मैम? ठीक है, आप हटा सकते हो। गर्मी कैसी रही स्कूल की? तो यहाँ पे दोपहर का 11 बज गया है और लंच की तैयारी हो रही है, जिसमें ना हम आलू बीन्स की सिंपल सी सब्जी बनाने वाले हैं हल्के से पराठों के साथ में। नौमी स्कूल से आ गई है तो वही खाएगी अभी। तो देखिए बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, और एकादशी है ना तो दाल चावल वगैरह नहीं बनाने वाले हैं। मंगलवार को एकादशी भी थी, और देखिए ये वीडियो की मेन रेसिपी नहीं है, मेन रेसिपी ना बादाम शेक बनाने वाले हैं, यानी कि मिल्क बादाम शेक, जो कि बहुत टेस्टी हेल्दी घर पर तैयार कर सकते हैं आप लोग जैसे हम बनाएंगे उस तरह से। तो सब्जी को करेंगे साइड में, और यहाँ पे लेंगे 1 लीटर से ऊपर ही दूध। ये देखिए दूध मेरा ऑलरेडी पक रहा था, ये अच्छे से पक चुका है। आपको देखिए इसको हल्का सा गाढ़ा कर लेना, यानी कि जो नॉर्मल दूध आप लोग पकाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पकाइए। जब ये हल्का सा गाढ़ा होने लग जाए तो उसमें सामान ऐड करेंगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा हेल्दी मिल्क शेक, बादाम शेक या बादाम मिल्क शेक कुछ भी बोलिए बन के रेडी हो जाएगा। जो बच्चे बादाम नहीं खाते उनको आप ये दूध दीजिए, या दूध नहीं पीते हैं तो भी ये वाला शेक वो बच्चे आराम से पी लेंगे। इसके बाद काफ़ी सारे बादाम लिए हैं, इनको फुला के रखा था पानी में रात भर के लिए, छील लिया। और देखिए 1.5 चम्मच यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है, और स्वाद के अकॉर्डिंग चीनी लिया है। तो कस्टर्ड पाउडर आपको ना वनीला फ्लेवर का ही लेना है, इससे कलर भी बादाम शेक की तरह आएगा और जो है फ्लेवर भी वैसे ही आएगा। और यहाँ पे देखिए आप चाहें तो इलायची पाउडर या केसर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए केसर से कलर भी आएगा और इलायची से फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हमने घोल लिया है नॉर्मल दूध से, इतना पतला आपको घोलना है, करीब 1.5 चम्मच है, ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना, ठीक है? और ये बादाम है इनको भी दूध के साथ पीस लेंगे, दूध डाला अदरदरा पीस लेंगे इसको। देखिए ये अच्छे से बॉयल हो चुका। अब यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर हमने घोला है वो ऐड कर देंगे। देखिए मलाई सी पड़ रही है, दूध काफ़ी थिक हो चुका है। देखिए धीरे धीरे करके आपको डालना है, फ्लेम यहाँ पे एकदम स्लो रखनी है ना,
तो इसको देखिए बहुत थिक नहीं रखना है, क्योंकि ना हम यहाँ पे सेक बनाने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको हल्का सा गाढ़ा रखना है। तो इससे क्या होगा, हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा ये। और ये देखिए, ये है हमारा बादाम जो हमने दूध के साथ पीसा था। बहुत महीन नहीं आपको पीसना है, दरदरा पेस्ट बनाना है, वो भी ऐड कर दिया। इससे भी थिकनेस आएगी और बादाम का फ्लेवर भी आएगा। बस स्वाद के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देंगे और करीब आपको 10 मिनट तक इसको पकाना है, ठीक है। पूरा दूध मान के चलिए हमने 20 मिनट पकाया, आधा वैसे पकाया, आधा सामान ऐड करने के बाद पकाया। उसके बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे खूब सारे जो आपको अच्छे लगते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे बादाम ऐड करे हैं बड़े बड़े पीस में। और देखिए यहाँ पे सब्जी भी हमारी बन गई है, तो अभी लंच देंगे नौमी को, इसके बाद आपको बादाम शेक पिलाने वाले हैं, ठीक है। तो लंच वगैरह हमारा हो गया और ये हमारा शेक है जो कि अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको हमने फ्रिज में लगा के ना अच्छे से चिल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे आपके और मेरे लिए ग्लास आ चुके हैं और ये आ गया हमारा शेक, यानी कि बादाम शेक। अच्छे से ठंडा कर लीजिए इसको, इसके बाद ग्लास में फिल करिए। ऊपर से ना खूब सारे ड्राई फ्रूट ऐड करिए, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता या जो टूटी फूटी आती हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बादाम ऐड करेंगे, बड़े बड़े पीस में हमने काट लिए हैं वो डाल दिए ऊपर से। केसर भी डाल सकते हैं ऊपर से आप। तो देखिए बहुत हेल्दी ड्रिंक है गर्मियों के लिए। और देखिए जिन्होंने हमें ये ड्रिंक बताई है ना, वो लोग सालों से बना के पी रहे हैं, उनके यहाँ ही हमने पी थी तो रेसिपी पूछी थी। तो आप लोग ट्राई करिएगा, हम श्योर हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कम से कम सामान में घर में बहुत हेल्दी तरीके से ये बन जाती है, तो ट्राई करिएगा आप लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आप कुछ गाइएगा में। इतना कौन खुश होता है, जाओ रिलैक्स करना। जय माता की, जय माता की। तुम्हारी बारी बहुत जल्दी आएगी, 2 साल बाद। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी सिलाई वाली आंटी के यहाँ। देखिए जिनकी बेटी की शादी के वीडियो ना हमने आपके साथ शेयर किए, तो मेरे यहाँ बायना आया था, हम समझ गए थे वो अपने मायके आई हैं चौथी चल के, तो हम मिलने आए हैं। तो चूड़ा भी साथ में लाए थे जो हमने बनाया था, हम दे नहीं पाए थे क्योंकि लेट बनाया था, तो अभी हम देने आए हैं, मिलने भी आए हैं। आंटी तुरंत सतर्क हो गई, आप स्मार्ट लगती हैं। वीडियो में आप नहीं बोल रही हो ऐसे सामने, और उसमें बहुत ज्यादा बोल रही हो, तो पूरा वो फुटेज खा जाती हो। हाँ, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चलो हटो, मेरे वीडियो में बताना आज के बाद। काजल आए तो बताना, ठीक है। नमस्ते आंटी, राम राम। हम काजल से मिलने आए थे, सबको मिलवाने आए थे। नमस्ते। टूट गई है घंटी मेरी। तो टाइम यहाँ पे हो गया है करीब 7:30 का, मेरी पूजा हो गई है, सब जगह दीपक भी लगा दिए हैं। तो अभी बनेगा खाना, और खाने में यानी कि डिनर क्या बनेगा अभी हमें पता नहीं है। आज क्या, आज तो मंगलवार है, हमने कल के वीडियो में यानी कि मंडे के वीडियो में वो चावल वाली बात बोली थी कि हम लोग कोटली ले गए थे, और क्यों ले गए थे आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो किसी ने नहीं बताया, पर हाँ 2 से 3 कमेंट ऐसे आए कि आप बताइए क्यों ले गए थे। तो देखिए जो सुदामा जी होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनके घर के हाल बहुत ख़राब होते हैं, घर में भोजन नहीं है, बच्चे भूखे हैं, गरीबी से बुरा हाल है। तो उनकी पत्नी जो होती है सुशीला जी, सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला जी था, तो वो कहती हैं कि देखिए घर के इतने बुरे हाल हैं, बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, घर में एक दिन का चावल भी नहीं है। आप ऐसा करिए, आपके मित्र परम सखा भगवान श्री कृष्ण हैं, और जो है आप उनके पास जाइए, द्वारकाधीश के पास जाइए, उनको अपना हाल बताइए, वो कुछ ना कुछ आपकी मदद जरूर करेंगे। और देखिए इसके पीछे बहुत कथा है, बड़ी कथा है, तो इस वीडियो में सुनाना आसान नहीं है। तो जो हमें पोटली के बारे में बताना है वहाँ पहुँचेंगे हम। तो बहुत कुछ समझाती हैं पर वो मना करते हैं, फिर जब वो मानते हैं तो वो कहते हैं कि हम खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना, और हमारे मित्र कहेंगे कि भाभी ने क्या भेजा है। तो वो कहती हैं आप जाने की अपनी व्यवस्था करिए, हम लेके आते हैं आपके ले जाने के लिए, यानी कि आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो वो जाती हैं भिक्षा मांगने, और मतलब मांगती हैं तो ऐसे बोलती हैं, सखी मांगू मैं अचरा पसार दई दे, सखी मांगू मैं
चरा पसार दई दे, दोई मुट्ठी तू कनकी उधार दई दे, दोई मुट्ठी तू कनकी उधार दई दे, है ना। तो उनको वहां से चावल मिलते हैं, जगह जगह से थोड़े से चावल मिल जाते हैं। तो जब गुरुजी ये गा रहे थे, उन्होंने कहा था जब हम इस तरह गाएंगे तो आप अपने अपने घरों से पोटली जो लाए हैं रख दीजिएगा वहां पे। इसका मतलब ये था कि जब सुदामा जी वो चावल ले जाएंगे तो हमारे चावल भी प्रभु श्री कृष्ण के पास जाएंगे, है ना, जो पोटली हम लोग ले गए थे। तो ये मायने थे उन चावल के, ठीक है। हो सकता कहीं पे हम कुछ यहाँ वहाँ भी बोल गए हों, और जो हमें समझ में आया वो हमने आपको बताया। तो उन्होंने गा के ऐसे बताया था, गुरुजी ने जो भागवत में ऐसे गा के बताया था। और सुदामा श्री कृष्ण जब मिलन हुआ था उसके बीच में ये सब आता है, ठीक है। बाबा को बुला लो कुंभकर्ण की बहन सूचना। बस एक खाएंगे हम, बहुत गर्मी हो रही है। आ करिए तो डिनर हमारा हो चुका है। तो आधे लोगों ने लौकी का रायता और दलिया खाया, आधे लोगों ने चाय कचौड़ी खाई। इसके बाद देखिए मास्क हमने धो लेते ना, तो कुछ इसमें से हम हटा देंगे, फेंक देंगे यानी कि, और कुछ रख देंगे यूज करने के लिए। और ये टंकी हमने धुली थी दिन में, धूप में रखी थी, और अभी उठा के ना इसमें आटा भी भर दिया है। तो रात के जो काम होते हैं वही कर रहे हैं। इसके बाद थोड़े से बर्तन धुलेंगे और थोड़े से कपड़ों में प्रेस भी करेंगे, और अगर थक जाएंगे तो नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं। और बेडशीट हमने अभी चेंज कर दी है, तो बेडशीट मान के चलिए 2 से 3 दिन में हम चेंज करते हैं, क्योंकि ना जो मेरा बेड है ना, हम सारे लोग उसी पे बैठे रहते हैं पूरे टाइम। आपने भी देखा होगा खाना पीना भी उसी पे खाते हैं, क्योंकि ना उतनी ही जगह है तो वहीं घूम फिर के पहुँच जाते हैं हम लोग। थोड़ा इधर इधर आओ, किसको रहे मेरे पति देव, तुम ऊपर आओ। तो हम आ गए छत पे ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। हाँ हवा ठंडी चल रही है वैसे, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है, 11:30 बज रहा है। और देखिए क्या होता, हम लोग ना पूरे दिन एसी पंखे कूलर के सामने रहते हैं, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाहर की फ्रेश हवा जो भगवान जी चलाते हैं ना वो खानी चाहिए, है ना। तो हम कभी कभी देखिए मंदिर हमारे घर के पास में, वहाँ पे टहल लेते हैं, कभी कभी रोड पे टहल लेते हैं, कभी कभी छत पे आके इनका वेट भी करते रहते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग करते रहते हैं, हवा खाते रहते हैं, वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो आज हम छत पे आ गए हैं, 11:15 बज रहा है, बच्चे दोनों सो गए मेरे, वासु काफ़ी देर से सो रहा है, नौमी भी सो चुकी है। तो आधे घंटे हम यहाँ पे रहेंगे, तब तक ही आ जाएंगे फिर हम लोग साथ में, थोड़ा बहुत कुछ खाना होगा तो खाएंगे, वरना हल्दी वाला दूध इनको दे देंगे। ये 12 बजे के आसपास सोते हैं, 12:30-1 बज जाता है ना, तो दोपहर में सो लेते हैं, हम बैठ जाते हैं, आज हम बैठे थे तो ये सो लिए थे। तो चलिए वीडियो का एंड करेंगे, आप बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट और लाइक करिएगा, प्लीज़ क्या करिए, आप लोग नहीं करते हैं। तो बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा।